कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ, बार क्या रहेगा मुद्दा? बेरोजगारी, बाढ़ पीड़ित एरिया है, काम तो नहीं हो रहा है। कोई भी काम के लिए जाइए कि नहीं, पहले घूस मांगता है, एकदम मोटा घूस। बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। 77 से तारीख अनवर भी कटिहार के प्रतिनिधि। क्या विकास किया आप बोलिए ना, क्या विकास किया 77 से? लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसको लेकर हमारी केबीसी न्यूज टीम पूरे मैदान में है और लोगों से जानने का प्रयास करती है कि इस बार कटिहार का सांसद कौन होगा। हम सीधे लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर लोग जो है वोट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कैलाश देव शर्मा जी। इस बार किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? काम, देश का काम अच्छा होना चाहिए। काम हुआ आपके देश आज में? हो रहा है, जगह के अनुसार सही काम हो रहा है। भाग रहे हैं। क्या रहेगा देश में इस बार, कमल खिलाएंगे या इंडिया गठबंधन? बीजेपी जीतेगी। जीतेगी, जीतेगी। क्या कुछ हुआ है उनके कार्यकाल में? बहुत कुछ हो रहा है, जैसे जगह के अनुसार से बाढ़ पीड़ित इलाका है उसके अनुपात से काम हो रहा है, काम हुआ है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गेदर मंडल। क्या है इस बार मुद्दा, क्या रहेगा आगामी 26 अप्रैल को? विकास, विकास की मुद्दा है। कितना विकास हो पाया? विकास 60% हुआ है और आगे भी आशा है कि फिर भी विकास होगा, इसलिए हम लोग वोट उसी दे रहे हैं। किसको देंगे इस बार? कमल खिलेगा देश में या फिर महागठबंधन? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर लोग जो है वोट करेंगे और क्या इन लोगों ने मन बनाया है, क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है? मनेरू लाख। इस बार क्या रहेगा मुद्दा? बेरोजगारी और बाढ़ पीड़ित एरिया है, काम तो नहीं हो रहा है, कर भी नहीं रहा है, यह पिछड़ा इलाका है, यही मुद्दा है। सब आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, काम तो कुछ होता ही नहीं है, वोट लेता और चले जाते हैं, क्या बोलेंगे इसमें आप? तो इस बार क्या देश में कमल खिलेगा या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि हालांकि लोगों की निगाहें टिकी है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या कहते हैं, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। और क्या बोले, बोली क्या रहेगा इस बार, क्या नाम है देश का, किसे देखना चाहेंगे कटिहार का? बदलाव होना चाहिए, बदलाव, बदलाव होना चाहिए, इसका बदलाव होना चाहिए, तब तभी देश सुधर सकता है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे। हालांकि अहमदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो अहमदाबाद प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं कटाव का दंश झेलता रहा और इसको लेकर लोगों की क्या राय है, हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। कहाँ से हैं आप? कटिहार। कटिहार से? मनिहारी। कौन बनेगा इस बार सांसद कटिहार का और किसको चाह रहे हैं इस बार देश में? पब्लिक जिसको चाहेगा, हमारे अकेले से तो बोलने से तो नहीं होगा कि ये हो जाए, पब्लिक, पूरे पब्लिक जिसको चाहेंगे। और सबसे क्या इस बार क्या रहेगा मुद्दा? मैं तो बंगाल का हूँ भाई साहब, और दूसरी बात है पब्लिक जिसको चाहेगा वही चुनाव जीतेगा, और क्या, जो जिसको चाहेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सेक्रेटरी। इस बार क्या मुद्दा रहेगा वोट में? 26 अप्रैल को वोट है, ठीक है रहेगा क्या? किस चीज को लेकर वोट देंगे, क्या मुद्दे को लेकर? क्या मिलेगा अभी कैसे बोल देंगे इसे? चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, वोट देते हैं ना। क्या रहेगा इस बार मुद्दा? मुद्दा वही बेरोजगार, विकास और बेरोजगार। रोजगार मिला? रोजगार कहाँ है? पायल मिला। हाँ? कहाँ रोजगार है? कुछ नहीं है। शिक्षा में कितना सुधार हो पाया? कुछ नहीं है शिक्षा में, शिक्षा में स्कूल में सब बर्बाद है, स्कूल में कोई शिक्षा नहीं होता है। क्या चाहते हैं इस बार देश में? अच्छा हो। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? एमडी हारून। युवा हैं और इस बार क्या चाहते हैं, कौन बनेगा कटिहार का सांसद? कटिहार का सांसद जो है तारिक अनवर बनेगा। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग का शेरशाहवादी का वोट उसमें नहीं जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए जो वो 3 बार सांसद रहा,
कुछ किया नहीं हम लोग के लिए, खास करके सरसावादी के लिए कुछ किया नहीं है। कौन नहीं किया? तारिक अनवर। हाँ कुछ भी नहीं लेकिन, हाँ लेकिन हवा हवाई में सब बोल रहा है तारिक अनवर जीतेगा तारिक अनवर, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हम बोले। और आप लोगों को भी पता है बेहतर, हम लोग से जानते हैं और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस मुद्दों के लेकर इस बार जो है लोग मतदान करेंगे। जी क्या नाम है? इनामुल। क्या रहेगा इस बार मुद्दा? मुद्दा सबसे पहले बड़का हुआ चल रहा है जो यहाँ हम लोग का यहाँ ऑफिसर राज, कोई भी काम के लिए जाइए कि नहीं पहले घूस मांगता है एकदम मोटा घूस, दूटा काम हो या एकटा काम हो, पहले तो वो हटाना चाहिए। दूसरे बात विकास, जो विकास होना चाहिए, लेकिन जो जे सब पार्टी को अभी नेता को वोट ही दिया है टिकट एक को तो लाइक नहीं। क्यों ऐसा क्यों करें? हालांकि 1977 से तारिक अनवर भी कटिहार के प्रतिनिधि। क्या विकास किया आप बोलिए ना, क्या विकास किया 77 से? आपको पूछ रहे हैं तो बात आप जवाब दीजिए, क्या विकास किया है तारिक साहब? क्या लगता है बहुत सारे क्या किया है वही तो बहुत सारे विकास को उन्होंने गिनती करा रहे हैं। किया हमको तो देखने नहीं मिल रहा, आप खोज के देखिए कहाँ विकास, हमको तो विकास अभी तक देखने नहीं मिल रहा है। विकास तो क्या लगता है कि बदलाव या फिर क्या? बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम अबुल बरकत है। कहाँ से हैं आप? जी मैं बबला बन्ना से हूँ। युवा पीढ़ी है और बबला बन्ना की स्थिति जो काफी दयनीय रही है, खासकर बाढ़ एवं कटाव से प्रभावित रहा, क्या इस बार रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार मेन मुद्दा है बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा एजुकेशन सिस्टम, और एक जो बेरोजगार है युवाओं में खासकर, ये मेन मुद्दा रहेगा। सरकार से मेरा अपील है जो इस बार में हम लोग बदलाव चाहते हैं और हमारे जो प्रतिनिधि है तारिक अनवर साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस बार हमारे युवाओं को एक अच्छा रोजगार देने की काम करें, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारें और शिक्षा को, शिक्षा की नीति को अच्छे से अच्छा और करें, माने बेहतर करें। इन सारे मुद्दों पर हम लोग उनको वोट करने जा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है, उन्हीं को इस बार हम लोग जो है वोट करने के पक्षपात में है और चाहते हैं कि बदलाव हो और देश की विकास हो और हमारे संविधान को जो है जो जिस तरह से तार तार किया जा रहा है उसके ऊपर कोई रोक हो, इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोग जो है इस बार बदलाव चाहते हैं। हालांकि विकास की अगर आप बात कर रहे हैं तो बबला बन्ना की अधिकांश आबादी कट के अभी कहीं दूसरी जगह पलायन कर गई, कितना विकास हुआ? अभी विकास तो खास उतना नहीं हुआ है, हमारे दुलाल चंद गोस्वामी जो सरकार, पिछली सरकार रहे हैं अभी तक जो है, तो अभी उतना खास विकास नहीं हुआ, बल्कि विकास ही नहीं हुआ है। कहा कि हमारे इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में विकास जो अभी हुआ है तो जरूर, अभी सड़क बन रहे हैं, सड़क में उतना खास तौर पर नहीं बन रहा है, एक तरह से सड़क बन रहा है, दूसरी तरह से जो है उबड़ खाबड़ होते चला जा रहा है अभी। हालांकि दुलाल चंद्र गोस्वामी के कार्यकाल में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कई जगह सड़क का निर्माण हुआ, यह तो पहले का ही तय था, ये तो अभी जो है राजनीतिक एजेंडा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये केवल राजनीति एजेंडा है, हालांकि लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली आ रही है। फिर मैं हाजिर हूँगा दूसरे चौक चौराहे पर, तब तक इम्तियाज को दीजिए इजाजत। KBC न्यूज़ अहमदाबाद।